आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, जरा आप सोचिए एक बार कि कोई दल वोट बैंक की राजनीति के लिए किस हद तक जा सकता है। जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार हो, उसी दल का नेता इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा हो और पार्टी चुनाव के चक्कर में चुप्पी की चादर ओढ़े बैठी रही हो। कर्नाटक में सुलगी नेहा हत्याकांड की चिंगारी। नेहा हत्याकांड के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। जेपी नड्डा के निशाने पर सिद्धारमैया सरकार। कर्नाटक सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। कर्नाटक में नेहा हत्याकांड के सनसनीखेज मामले की आग अब जंगल में लगी आग की तरह फैलती जा रही है। पूरे कर्नाटक में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुबली पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने राज्य सरकार के रवैया पर जमकर प्रहार किया। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग का मुद्दा भी उठाया। जो वक्तव्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी का सुनने को मिला और जो वक्तव्य मुझे गृह मंत्री जी परमेश्वरम जी का मिला, वह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। वर्तमान सरकार जिस तरीके से अपीजमेंट पर, तुष्टीकरण पर चली है, उसको कर्नाटक की जनता माफ नहीं करेगी। इसका इन्वेस्टिगेशन यदि स्टेट पुलिस असमर्थ है तो मैं सरकार को कहूंगा, प्रदेश को, कि वो सीबीआई को हैंडल करे। आज अपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी, प्रहलाद जोशी जी को संतान बोलने के लिए अपने घर पे आए थे। ये घटना सुन के उनको बहुत बुरा लगा, उनको दुख हो के अपने को संतान बोलने के लिए अपने घर पे अपना मेरा मिसेस को और अपना मेरा बेटे को मेरे को हिम्मत देके गए हुए। प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, आज मेरे को लगता है बहुत ढीले से काम कर रहे हैं। किसी को वो तो कॉलेज लड़के ने लोगों ने उसको पकड़ के वापस, पुलिस वाले ने, क्राइम वाले ने इमीडिएट पकड़ के उसको लेके गए। वो आदमी को छोड़ के दूसरा आदमी को लिया नहीं। नेहा हत्याकांड पर बीजेपी पूरी तरह से मुखर है। पार्टी नेता अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर राज्य सरकार को घेर लिया। किसी भी कांग्रेस नेता ने मृत नेहा हिरेमत के पिता निरंजन हिरेमत से मुलाकात नहीं की, जिसकी फयाज ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। असहाय पिता ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर अपनी बेटी के हत्यारों के प्रति नरम और धीमा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। नेहा के परिवार को कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति से भी निपटना होगा। क्या नेहा को कभी न्याय मिलेगा? इस मामले में नेहा के पिता निरंजन हिरेमत लगातार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेता के रहमान खान ने इस हत्याकांड में चौंकाने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने लव जिहाद के आरोप को खारिज करते हुए इसे दो लोगों के बीच का व्यक्तिगत मामला करार दिया है। तो एक आदमी का काम नहीं है, तो सबको पता था, और वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन मेरे से ज्यादा वो लोगों को जानते थे। खुद वो आरोपी ही बोला हुआ है अपने सोशल मीडिया में मेरे बेटे के बारे में। उन्होंने रात को 1 बजे पोस्ट होता है उसका आईडी से, जबकि वो अरेस्ट है, उसका मोबाइल जब्त है। मेरे को विश्वास टूटने का डर है। वो काम, मेरा केस उसको उल्टा करने का देख रहे हैं, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ, या आपसे नहीं होता है तो सीबीआई को दो। पुलिस के ऊपर भरोसा करके नहीं है। देयर टू फ्रेंड्स आर टू नोन पीपल and they have developed differences or anything, what we, nobody knows between them. So this incident in rage, it might have happened. And this is not the first time, there are several such instances have taken place. Not go on saying that is love jihad, that is that, and attributing to any particular community and then expanding two individuals. How does the two individuals connected to the society? What does society do? Whether what if they love jihad or whatever it is, it is a tool. Law will take. Who are you to say that?
उधर कर्नाटक महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी ने भी नेहा के परिवार से मुलाकात की और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की है। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, दे आर कलेक्टिंग द एविडेंस, द गवर्नमेंट एंड द पुलिस, एवरीवन वांट्स द नेहा'स अक्यूज्ड शुड गेट द पनिशमेंट एंड ही इज ऑलरेडी इन द जुडिशियल कस्टडी। 18 अप्रैल को हुबबल्ली के एक कॉलेज कैंपस में नेहा हिरेमत की फयाज नाम के लड़के ने बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद से अब तक इस मामले में राज्य सरकार का रवैया सवालों के घेरे में रहा है। यही वजह है कि नेहा हत्याकांड की चिंगारी अब सियासी गलियारों में धड़कने लगी है। तो 24 का चुनावी चक्रव्यूह दूसरे राउंड पर पहुंच चुका है। पहले फेज में जहां हर मुद्दा बेअसर रहा, तो वहीं सियासी दल धीरे धीरे तुष्टीकरण की सियासत को साधने में जुट गए। चौबीस की चौरस में चल रहे दाव पेच एक बार फिर तुष्टीकरण के सहारे हित साधते नजर आ रहे हैं। जब 2024 के चुनाव में कोई मुद्दा नहीं टिक पा रहा, तब क्या मुस्लिम तुष्टीकरण ही एकमात्र रास्ता बचता है? क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक दिन पहले अमरोहा में जो बयान दिया, उसका सीधा संदेश मुस्लिम कार्ड से जोड़कर देखा जा रहा है। तो हमने उनको टिकट तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ के खासकर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो उनके साथ हमने विश्वासघात नहीं किया। हमने एक मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति ने तो विश्वासघात किया, लेकिन उसकी सजा हमने यहाँ के अमरोहा क्षेत्र के पूरे मुस्लिम समाज को नहीं दी है, बल्कि इस बार हमने उसके स्थान पर मुस्लिम समाज से चौधरी मुजाहिद हुसैन को ही हमने टिकट दिया है। दरअसल मायावती अमरोहा में जनसभा को संबोधित कर रही थी। यहाँ के मौजूदा सांसद दानिश अली 2019 में बीएसपी से ही चुनाव जीते, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके लिए बीएसपी सुप्रीमो ने दानिश अली पर निशाना साधा, लेकिन संदेश मुस्लिम समाज को था कि आपके सांसद ने धोखा दिया। वैसे आप लोगों को अमरोहा सीट के बारे में ये मालूम है कि पिछली बार जब लोकसभा का आम चुनाव हुआ था, तो ये सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी, लेकिन जिनको हमने या आप लोगों ने जिताकर भेजा, तो उस व्यक्ति ने सांसद बनने के बाद, एमपी बनने के बाद ना तो पार्टी के मान सम्मान का ध्यान रखा और ना ही इस क्षेत्र की जनता के मान सम्मान का ध्यान रखा और ना ही इस क्षेत्र के विकास व उत्थान के लिए उन्होंने कोई कदम उठाया। बीएसपी मुखिया ने आरोप लगाया है कि कुंवर दानिश अली ने यहाँ की जनता के साथ और पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। बीएसपी ने अब तक 13 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। वहीं दूसरी तरफ मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी खुलकर मुस्लिम कार्ड खेलते देखे जा चुके हैं। चंद दिन पहले ही आकाश आनंद ने अपनी जनसभा से बाबरी मस्जिद को लेकर जो बयान दिया था, उसकी खूब चर्चा हुई थी। सरकार ने राम मंदिर बनाया, साथियों राम मंदिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है हमारी बहन बेटियों को ना सुरक्षा देने। राम मंदिर बनाया बहुत अच्छी बात है, जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम तब आपके साथ खड़े होंगे और बोलेंगे आपने हर धर्म और हर समाज को पूरा नेतृत्व देने का काम किया। करीब 20% आबादी वाला मुस्लिम समाज 2024 के चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करने वाला है। सियासत को समझने वाले ये बखूबी जानते हैं कि तुष्टीकरण का कार्ड जब जब चला है, नतीजे एक तरफा ही सामने आए हैं। सवाल ये है कि बीएसपी मुस्लिम कार्ड के जरिए किस फायदे को हासिल करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।